टीवी, अखबारों और शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाकर आम जनता को कैसे गुमराह किया जा सकता है, इसका भंडाफोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सामने आ गया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। अब पतंजलि आगे इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए उस पर रोक लगा दी है। मंगलवार 27 फरवरी को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को गुमराह करने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़े बड़े दावे करने वाले पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। विज्ञापनों पर रोक लगाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्णन और रामदेव को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की पब्लिशिंग में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने बड़ा खेल खेला है और जनता को जमकर करोड़ों का चूना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने यह दावा कर देश को धोखा दिया है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, जबकि इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। दरअसल पतंजलि अपनी दवाओं के जरिए उन बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है जो कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आपत्तिजनक विज्ञापन है। कोर्ट ने इसी बात को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में मोदी सरकार और संबंधित मंत्रालयों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पिछले 2 सालों से पतंजलि के उत्पादों और दावों को लेकर आपत्ति दर्ज होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर रोक को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि साल 2022 में इसके खिलाफ याचिका दायर होने के बाद भी गुमराह करने वाले विज्ञापन पर केंद्र ने एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया। सुनवाई कर रहे जजों ने कहा कि पूरे देश को धोखे में रखा गया है, आपने 2 साल इंतजार किया जबकि ड्रग्स एक्ट का कहना है कि यह निषेध है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने इस बारे में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे कि योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी की तरफ से COVID-19 वैक्सीन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में ही हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके पतंजलि विज्ञापनों के जरिए झूठे दावे करती रही और सरकार भी इस ओर से आंखें मूंदे रही। बता दें कि केंद्र सरकार के एक मंत्री नितिन गडकरी रामदेव के कोविड से संबंधित दवाओं के दावों के वक्त उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। क्या यह न्याय व्यवस्था के आदेश को लेकर खिलवाड़ नहीं है और क्या इससे केंद्र की मोदी सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े नहीं होते? ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।